बिहार के सबसे बड़े जेल बेऊर से चलता है रंगदारी का नापाक धंधा। बेऊर जेल में बंद कुख्यात अपराधियों के निशाने पर राजधानी पटना के कारोबारी हैं। इस बात का खुलासा तब हुआ जब बेऊर जेल में बंद पटना के कुख्यात अपराधी भवानी ने एक कारोबारी से रंगदारी की मांग की। बेऊर जेल के अंदर से मांगी गई रंगदारी की मांग का खुलासा होने के बाद जेल प्रशासन से लेकर पटना पुलिस में खलबली मच गई है। भवानी ने कारोबारी सुशील कुमार से हर महीने 25,000 से 30,000 की रंगदारी की मांग की। उसका दावा है कि वह कई लोगों से इसी तरह पैसे की वसूली कर रहा है, क्योंकि उस पर हर महीने 1.5 से 2 लाख का खर्च है। और तो और, भवानी ने अपने 3 गुर्गों को कारोबारी सुशील कुमार के पास भी भेज दिया और उनके माध्यम से फ़ोन पर बातचीत की। मामले को लेकर पीड़ित कारोबारी ने कदमकुआं थाने में केस दर्ज करवाया है। कारोबारी ने पुलिस को बताया है कि रंगदारी की मांग पूरी नहीं होने पर 2 से 3 दिनों में उसे हत्या की धमकी दी गई है। इस खुलासे ने बेऊर जेल की व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिरकार बेऊर जेल के अंदर से रंगदारी का खेल कैसे चल रहा है। कुछ दिन पहले हमारे मोबाइल पर भवानी नाम के लड़का का फ़ोन आया था जो बेऊर जेल में स्थित है। उसकी आवाज़ को हम अच्छी तरह से पहचान लिए और उसने हमें धमकी दी कि अपने दुकान में जगह दो। तो हम बोले कि जगह तो संभव नहीं है, तो बोले काम कीजिए भैया, आप क्या आप जो हैं आप हमको 25,000-30,000 रुपया महीना दीजिए, जो हम आपको कुछ नहीं करेंगे और कोई परेशानी आपको होगा नहीं, आप आराम से अपना रहिएगा। क्योंकि हम लोग अपने जेल में रहते हैं, 2.5 लाख 3 लाख 2 लाख रुपये मेरा खर्च है और बाहर लड़का पाले हुए हैं, सबको मैनेज करना पड़ता है, तो ये सब हम कहाँ से करेंगे। सभी सब कचहरी वगैरह ये सब जो हम लोग जाते हैं, ये सब खर्चा हम कहाँ से लाएंगे। हमने बोला कि देखो भवानी, ये तो संभव नहीं है। उसने बोला कि ठीक है, आप सोच लीजिए, आपके पास 2 दिन का टाइम दिए हैं और 2 दिन के बाद हम फिर आपको फ़ोन करेंगे। दोबारा वो अपने लड़के को 3 लड़के को भेजकर, जिसका वीडियो मेरे पास है, और अपने मोबाइल से ही वो बात करवाएं। तो बात में वो काफ़ी बोले कि क्या हुआ, आप जवाब नहीं बता रहे हैं हमको, जो जल्द से जल्द आपको बताइए और नहीं तो हम आप पे कार्रवाई कर देंगे। गाली गलौज की अपने मोबाइल पर। हमने बोला कि देखो भवानी, थोड़ा समझो, इस बात को समझो, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। तो बोला हम कुछ नहीं जानते हैं, आपके पास समय नहीं है, आपको दो से तीन दिन के अंदर में आप अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। आखिर जो सर उसका ऑडियो मेरे पास है, प्लस वो अपने नाम से खुद कहा कि मैं भवानी बोल रहा हूँ, बताया कि हम जेल से बोल रहा हूँ, बेऊर जेल में अभी हूँ और हम 2-3 महीने में छूटने वाले हैं। तो कम 2-3 महीने के लिए आप हमको जो है, जब तक हम नहीं छूटते हैं, आप हमको 25,000-30,000 रुपये महीना दीजिए। छूट जाएंगे तो आपका सारा अथी मैनेज, हम आपसे पैसा नहीं लेंगे। तो ये आवाज़ को पहचान? हाँ बिल्कुल सर, एकदम कन्फर्म। आप उसको जानते हैं पहले से? नहीं, पहले से नहीं जानते। वो जो कांड हुआ था ना एक बार, शायद 4-5 साल पहले, तो उसी समय उसको जानते थे। उस समय तो बहुत छोटा टाइप का था, लड़का था। तो उसी कांड किया वो, शायद दीपक नाम का लड़का का शायद वो हत्या किया था। आपको जान से मारने की धमकी दी? जी सर, जान से मारने की धमकी दी है। और लास्ट में यही कहा कि अगर आप नहीं कीजिएगा तो अंजाम भुगतने के लिए 2-3 दिन में तैयार रहिए। जी अभी हम कदमकुआं थाने में पहुँचे हैं सर के पास। सर की तरफ से भी आश्वासन मिल रहा है कि आप बेफिक्र रहिए, हम कार्रवाई कर रहे हैं। सुरक्षा का गुहार लगा रहे हैं? जी सर, सुरक्षा का गुहार लगा रहे हैं और हम बहुत इससे भयभीत हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो और इस तरह का वारदात नहीं हो, क्योंकि बहुत ही सोचने वाली बात हो रही है कि दिन के समय में अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं सर और धमकी दे रहे हैं। बेऊर जेल से रंगदारी मांगने का एक मामला आया था, इसमें एफआईआर भी? जी हाँ, एक मामला कल प्रकाश में आई थी रात में, उसमें एफआईआर दर्ज किया गया है सुशील कुमार के बयान के आधार पर। और उसमें वरीय पुलिस अधीक्षक और नगर पुलिस अधीक्षक के आदेश पर तत्काल एक टीम का गठन किया गया थानाध्यक्ष कदमकुआं के नेतृत्व में, विमलेंदु जी के, और ये लोग रात भर इसमें काम किए हैं। इसमें एक रंगदार या जो अपराधी है उसको, उसकी गिरफ्तारी हुई है, बाकी पर छापेमारी चल रही है। बेऊर जेल से कौन सा रंगदारी मांगना, ये कितना बड़ा अपराध, इसकी जांच की जा रही है। ये नंबर कहाँ का था, कहाँ से आया था, लेकिन ये तो अपराध है। तो अगर जेल से रंगदारी मांगेंगे तो इसमें जो एक्यूज है भवानी, इसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करवाएंगे? निश्चित रूप से वो भी इसका एक्यूज बनेगा। और आगे इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। अभी वर्तमान में तो रात भर छापामारी किया गया है विमलेंदु जी के द्वारा और एक की गिरफ्तारी की गई है, बाकी के विरुद्ध छापामारी। जेल के अंदर से जो रंगदारी नहीं मांगी जाए इसको लेकर जेल प्रशासन से कुछ आप लोग? हाँ, इस संबंध में जेल प्रशासन से हमारे वरीय पदाधिकारी के द्वारा बात किया जाएगा।